दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल हेल्थ फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कंबीफ्लॉम टेबलेट के बारे में। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बातें करके देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, तभी आपको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी कि कंबीफ्लॉम टेबलेट किस में काम आता है और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे हमारे न्यू वीडियो के अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं कंबीफ्लॉम टेबलेट के बारे में। यह टेबलेट 30 टेबलेट इसमें एक स्ट्रिप में रहता है और इसका जो MRP है 34 रुपये इसका MRP है। और हर एक मेडिकल स्टोर पे, हर एक केमिस्ट के दुकान पे इस टेबलेट को आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और इसमें साल्ट क्या मिलाया गया है, इसमें कंटेंट क्या मिलाया गया है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें इसका जो साल्ट है आइब्रूफेन एंड पैरासीटामॉल टेबलेट मिलाया गया है और यह किस में काम आता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। कंबीफ्लॉम टेबलेट किसी भी प्रकार का बुखार हो और दर्द हो वहाँ पे इस टेबलेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर बुखार की समस्या है तो ये बुखार को नॉर्मल कर देता है, उतार देता है। और शरीर के अंग में कहीं पे भी दर्द है, कमर दर्द हो, सर में दर्द हो, पैर हाथों में दर्द हो, तो वहाँ पे यह टेबलेट बेहतरीन काम करता है। इसको कैसे प्रयोग किया जाता है आइए जानते हैं। प्रयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार और इस टेबलेट का एक्सपायरी डेट एक बार आप जरूर देख के लें। और जब भी आप टेबलेट का प्रयोग करें तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, मतलब सुबह शाम एक एक टेबलेट आपको दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों से यह टेबलेट दूरी बना के रखें, बच्चों में यह टेबलेट को ना दें। और अगर देना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार टेबलेट को दे सकते हैं, या तो फिर बच्चों के लिए इसी कंबीफ्लॉम का सिरप आता है, सिरप में भी प्रयोग करवा सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका ज़्यादातर कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी इचिंग होना, मतली आना, रेड कलर का चकत्ते पड़ना, सर दर्द होना, इस तरीके का इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा नज़र में आ रहा है तो इस दवा को तत्काल बंद करके और अपने डॉक्टर के सलाह लें। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे न्यू वीडियो के अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।